माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन स्टूडेंट्स का 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस चालू है। 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के राउंड वन में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, या आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने खुद को वहां पे एडमिट नहीं करवाया, या आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, तो आपको अब राउंड टू में क्या करना है और आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू राउंड वन या राउंड टू, वो सारे इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका राउंड वन में कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक राउंड वन का जो पार्ट वन पार्ट टू है, वैसे ही राउंड टू के पार्ट वन पार्ट टू को आपने देखा नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज का दिन है आपके पास। आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्ट वन जैसे आपने भरा था राउंड वन में, वैसे ही पार्ट वन वही है, सेम है। आपने अगर वेरीफाई किया है, पार्ट वन भर दिया है, अच्छे से वेरीफाई करवाया था राउंड वन में, अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पार्ट वन में कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप अनलॉक कर सकते हो, फिर वो ऑटो वेरीफाइड होगा या तो आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो अगर पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है वेरीफिकेशन, तो आप पार्ट टू पे आइए ऑप्शन फॉर्म में। ऑप्शन फॉर्म में अगर आपने प्रॉपर 10 कॉलेजेस सिलेक्ट किए हुए हैं, अपने मनपसंद के कॉलेजेस सिलेक्ट किए हुए हैं, तो और आपको चाहिए कि वही प्रेफरेंस रहे कॉलेजेस का, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है राउंड टू का लिस्ट लगने का। पर अगर आप चाहते हो कि आपका प्रेफरेंस चेंज हो, मतलब आपने जो प्रेफरेंस दिया है कॉलेजेस को उसको आप चेंज करना चाहते हो, जो सेकंड नंबर पे कॉलेज अभी आपने किया है उसको आप थर्ड नंबर पे करना चाहते हो, जो फर्स्ट नंबर पे किया है उसको फोर्थ नंबर पे करना चाहते हो, तो आप ऑप्शन फॉर्म अनलॉक करके आज रात 10 बजे से पहले कर सकते हो, क्योंकि आज का लास्ट डेट है। आज रात 10 बजे के बाद आपका ऑप्शन फॉर्म और पार्ट वन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो पार्ट वन या पार्ट टू या ना ऑप्शन फॉर्म में अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपने ये दोनों फॉर्म नहीं भरे हैं और कैसे भरने हैं ये जानना चाहते हो, तो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है पार्ट वन और ऑप्शन फॉर्म कैसे बनते हैं दोनों वीडियोज में। अगर आपको माइनॉरिटी से एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके ये फॉर्म भरना है। इस फॉर्म को भरने के बाद इसको लॉक करना है, इसका प्रिंट निकाल के आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए माइनॉरिटी कॉलेज में, वहां पे आप जमा कर सकते हो कल। ओके, बट इसको भरना आज है, इसको लॉक आज ही करना है। पार्ट वन, ऑप्शन फॉर्म और माइनॉरिटी फॉर्म, कोई भी फॉर्म आप भरते हो तो भरने से आपका काम खत्म नहीं होता, आपको वो फॉर्म फिल करने के बाद लॉक करना इम्पोर्टेंट है। अब राउंड टू का लिस्ट कब लगने वाला है, राउंड टू का लिस्ट 3 जुलाई मॉर्निंग 10 AM को इसी लिंक पे आप अपना लॉगिन करके देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूंगी। थोड़ा ही समय बचा है, जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि बाद में थर्ड राउंड के लिए बहुत मुश्किल है कि आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिले। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।